मुकुल रॉय ने बीजेपी का साथ छोड़ा, थोड़ी देर में टीएमसी में होंगे शामिल। अब से कुछ ही देर बाद ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुकुल रॉय के शामिल करने को लेकर हो सकता है औपचारिक ऐलान। टीएमसी छोड़ बीजेपी में जाने वाले नेताओं में सबसे पहले था मुकुल रॉय का नाम, 2017 में छोड़ी थी पार्टी। अभिषेक बनर्जी भी साथ में होंगे शामिल। अब से कुछ ही देर बाद ममता बनर्जी करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में यूपी मिशन 2022 पर मंथन तेज, यूपी विधानसभा चुनाव पर बढ़ी सरगर्मी। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात, करीब डेढ़ घंटा हुई बैठक। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने किया ट्वीट, बैठक को शिष्टाचार मुलाकात बताया। ट्वीट में सीएम योगी ने लिखा, अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने और आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले योगी, सूत्रों के हवाले से खबर। मिशन 2022 पर बनी बात, सीएम ने ट्वीट करके बताया शिष्टाचार मुलाकात। नड्डा संग बैठक के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। सूत्रों के हवाले से खबर, जल्द हो सकता है यूपी में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद को मिल सकती जगह। सूत्रों के मुताबिक जितिन प्रसाद को जुलाई में बनाया जा सकता है एमएलसी, जुलाई में एमएलसी की 5 रिक्त सीटों को भरा जाना है। कांग्रेस से बीजेपी में नए आए जितिन प्रसाद ने कल यूपी सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी, वीके सिंह भी मिलने पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक पर टिकी है बीजेपी की नजर, एके शर्मा को भी योगी मंत्रिमंडल में मिल सकती है अहम जिम्मेदारी। दिल्ली पहुंचने पर कल सीएम योगी ने गृहमंत्री से की थी मुलाकात, यूपी के सियासी हालात पर करीब डेढ़ घंटे तक हुई थी चर्चा। यूपी चुनाव से पहले दिल्ली में सियासी हलचल तेज, अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने भी अमित शाह से मुलाकात की। दिल्ली में यूपी सदन के बाहर जुटे युवा वाहिनी के कार्यकर्ता, सीएम योगी के नेतृत्व पर जताया भरोसा। ओम प्रकाश राजभर में बीजेपी गठबंधन से किया किनारा, बीजेपी को बताया डूबती नैया, कहा इस पर जिसे सवार होना हो वो हो जाए, मैं नहीं सवार हूंगा। अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, इधर बेकारी बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है, बंदरबाट में उलझी है बीजेपी सरकार। सीएम योगी ने शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती पर ट्वीट करके उन्हें नमन किया, लिखा आपका बलिदानी जीवन हमें राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का वार, बीजेपी आलाकमान ने योगी आदित्यनाथ को बनाया सैंडविच, निशांत पाटी और अनुप्रिया से मुलाकात कर बताई उनकी अहमियत। राजस्थान कांग्रेस में सियासी हलचल तेज, सचिन पायलट ने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर दौसा में मूर्ति पर किया माल्यार्पण, 6 समर्थक विधायक साथ में मौजूद। सचिन पायलट को मनाने की कोशिशें तेज, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट से की बात, आज शाम दिल्ली आ सकते पायलट। सचिन पायलट की नाराजगी पर बीजेपी की चुटकी, रीता बहुगुणा बोली कांग्रेस में नेताओं का नहीं है सम्मान। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, देश भर में किया प्रदर्शन, जयपुर में सचिन पायलट ने संभाली कमान। सचिन पायलट ने कहा केंद्र सरकार को पेट्रोल डीजल के दामों को रोल बैक करना होगा, बीजेपी में आने की संभावना को सिरे से खारिज किया। जो कहा कि सचिन से बात करी है
हो सकता है रानी सचिन तेंदुलकर से बात कर रही हो, मेरे से बात करने हिम्मत नहीं है। दिल्ली में भी कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, महंगे पेट्रोल डीजल का मुद्दा उठाया। देश में कई जगहों पर 100 रुपए प्रति लीटर हुए पेट्रोल के दाम। बैंगलोर में भी पेट्रोल डीजल के दामों में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कानपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर किया हल्ला बोल, पेट्रोल पंप पर नजर आई नाराजगी। दिल्ली में घर घर राशन योजना को लेकर केजरीवाल सरकार और बीजेपी में जंग जारी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया पलटवार। रविशंकर प्रसाद का आरोप, दिल्ली में राशन माफिया से है केजरीवाल की सांठगांठ, इसीलिए नहीं लागू हो पाई वन राशन, वन नेशन वन राशन योजना। केजरीवाल जी हर घर अन्न की बात कर रहे हैं, घर घर पहुंचाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक दवा तो पहुंचा नहीं सकी, अब अनाज की बात कर रहे हैं। डेप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का पलटवार, केंद्र सरकार के पास राज्य सरकारों को गाली देने के अलावा कोई काम नहीं। ये सब ऐसे हैं, वो सब वैसे हैं, ये खराब वो खराब, इस ये जो भी गाली गुफ्तार में शब्द यूज करते हैं लोग,